रांची से ये लाइव तस्वीरें मिल रही है, दर्शकों को हम दिखा दें यहाँ पर। आपको बता दें कि अहम तस्वीर ये इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन यहाँ नजर आ रहे हैं, तो बापू वाटिका वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 32 घंटे बाद वो नजर आए हैं, हालांकि उन्होंने पहले ईमेल के जरिए कहा था कि 31 तारीख को मैं पूछताछ के लिए उपलब्ध रहूंगा, लेकिन उससे पहले वो कहां गायब थे इस पर लगातार सवाल भी किए जा रहे थे। फिर अचानक से वो मौजूद हुए, उनकी तस्वीर सामने आई, मुस्कुराते हुए वो नजर आए। रांची से इस वक्त ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, बापू वाटिका यहाँ पर पहुंचे हैं गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि आज बापू की पुण्यतिथि भी है और ऐसे में उनकी प्रतिमा पर यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए तस्वीरें लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, रांची से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त पुष्प अर्पित करते हुए हेमंत सोरेन आपको नजर आएंगे, लेकिन ईडी की तरफ से शिकंजा कसा जा चुका है, पूछताछ उनसे होनी है, 10 बार समन्स जारी किए जा चुके हैं, कल वो ईडी के सामने पेश होंगे ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। 31 तारीख को सवाल जवाब के लिए वो मौजूद रहेंगे, उससे पहले आज बैठकें हो रही है, यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि आखिर जब सवाल जवाब होंगे तो उसके बाद के हालात को कैसे पहले ही संभाला जाए। तस्वीरें आप देखिए, हेमंत सोरेन इससे पहले अपनी गाड़ी में नजर आए, मुस्कुराते हुए वो दिखाई दिए और इस वक्त वो मीडिया के सामने भी नजर आ रहे हैं, क्या वो किसी सवाल का जवाब यहाँ पर देंगे। फोटो सेशन फिलहाल यहाँ पर हो रहा है, बापू वाटिका में वो मौजूद है जहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने उन्होंने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, क्योंकि आज बापू की पुण्यतिथि है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और ऐसे में इस मौके पर उन्हें नमन करने के लिए वो यहाँ बापू वाटिका में पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इससे ठीक पहले एक बैठक भी हो रही थी, बैठक में उनकी पत्नी भी मौजूद थी और यही सवाल उठ रहा है कि क्या वो सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी के हाथ में सौंपेंगे क्या, और सवाल ये भी अहम कि क्या अब उन्हें गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर, यहाँ तो फोटो सेशन हो रहा है, मुस्कुराहट देखी जा रही है चेहरे पर, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है वाकई जितना तस्वीरों में दिखाने की कोशिश हो रही है? देखिए, हेमंत सोरेन की अमूमन जो भी छवि सामने आती है सार्वजनिक तौर पे, वो मुस्कुराते ही रहते हैं, वो एक पॉस्चरिंग करते हैं, एक ऑप्टिक्स है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अपने कार्डर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अपने वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी संकट का बादल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा और हमारे ऊपर कोई भी संकट नहीं है। तो हेमंत सोरेन वो कोशिश कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कार्यक्रमों में अब तक नज़र आने वाली कल्पना सोरेन जो सीएम की बैठक है, विधायकों के साथ बैठक है, उसमें मौजूद रही और ये कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि आगे की जो तस्वीर है उस तस्वीर में कल्पना सोरेन को देखने के आदि हो जाएं विधायक, यानी कि अगर मुख्यमंत्री पर कोई संकट के बादल आते हैं तो कल्पना सोरेन ही उनका नेतृत्व संभालेंगी, इस सरकार का नेतृत्व लेकर आगे बढ़ेंगी। हालांकि इसको आधिकारिक तौर पे अमली जामा नहीं पहनाया गया है, लेकिन ये पहले से ही एक विधायकों के मन में जो असमंजस की स्थिति है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन अपने आवास पे सभी विधायकों को बुलाया, सर्किट हाउस में उनको ठहराया गया था कल रात से ही, और वहाँ से सारे विधायक इकट्ठे होकर सीएम आवास आए और यहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। सीएम ने सबसे मुलाकात की तो बड़े ही खुशनुमा माहौल में मुलाकात की, उन्होंने सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश की, तमाम तरह की जो बातें चल रही थी विधायकों के जहन में उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और अब जो है बापू वाटिका जा रहे हैं, जो उनका 10:40 पर कार्यक्रम था बापू वाटिका में, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, अब वो कार्यक्रम वो अभी अभी वो बापू वाटिका पहुँचे हैं और उस कार्यक्रम को अभी अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद एक तस्वीर ज़रूर आएगी शिबू सोरेन और रूपी सोरेन का, वो तस्वीर इसलिए होगी कि आज वो विधायकों के साथ बैठक किए हैं और जो रणनीति उन्होंने बनाई है, जो राजनीतिक फैसला किया है, गुरु जी को अवगत कराएंगे और गुरु जी की जो उनके पिताजी हैं शिबू सोरेन, जिन्हें गुरु जी भी कहा जाता है राजनीति में, तो गुरु जी अगर उस पर मुहर अपनी अंतिम आखिरी मुहर देते हैं तो उस फैसले के साथ आगे बढ़ेंगे हेमंत सोरेन। और इस पूरे फैसले को कल से जोड़ के आप देखिए कि कल उन्होंने 31 जनवरी को टाइम दिया है ईडी को कि आप दोपहर 1 बजे हमारे आवास पर आइए, हम आपके दफ्तर नहीं जाएंगे, हमारे आवास पर आइए, आपको जो भी जवाब रिकॉर्ड करने हैं वो आप रिकॉर्ड कीजिए। उन्होंने जो ईमेल जारी किया उसमें कहा कि हमने 20 जनवरी को आपके सामने 17 से 18 जवाब सवालों का जवाब दिया, आप जो है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को
जो पॉलिटिकली मोटिवेट होकर आप जिस तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने सख्त लहजे में ईडी का जो है जवाब दिया ईमेल के जरिए, तो साफ तौर पे ये सारी पोस्टरिंग जो है वो अगले चुनाव के लिए की जा रही है कि जब हम जाएंगे चुनाव में तो हम ये बातें कहेंगे, जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो उनके काडर्स, उनके नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री इसी तरीके की बात कहेंगे कि एक पब्लिक जो एक रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक का, वो किस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेट होके ईडी के चक्रव्यूह में फंसा है। हालांकि कई तरह के ईडी ने समन दिए, 10 बार उनको बुलाया, समन देकर बुलाया। अगर वो पहले ही समन पे, जो उन्होंने 8वें समन पे ईडी को पूछताछ के लिए समय दिया, वो पहले ही समन पे देते तो शायद ये बात आगे नहीं बढ़ती, अभी सवालों के जवाब हो जाते और उसके बाद ईडी आगे कार्रवाई करती। लेकिन लगातार वो ईडी के समन को दरकिनार करते रहे, तो अब ईडी ने सख्त लहजे में कहा है कि हम आपसे पूछताछ करेंगे और आप उपलब्ध रहिए। उन्होंने इसी कड़ी में अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए, 29 को उनके कार्यक्रम थे, 28 को कार्यक्रम थे, 30 तारीख को कार्यक्रम थे, 31 को कार्यक्रम थे, सारे कार्यक्रम स्थगित किए। दिल्ली में वो जरूर गए और उन्हें लगा होगा कि दिल्ली में वो डिटेन हो जाएंगे, अगर ईडी सख्त होती है और वहीं डिटेन हो जाएंगे तो उनके लिए आगे पोस्टरिंग के लिए या आगे कोई भी मैसेज देने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने टाइम बाय किया, उन्होंने एक दिन का वक्त लिया, सड़क मार्ग से सीधे रांची पहुंचे और अब अपने विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मन मिजाज को भांप रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं कि कल अगर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है और गिरफ्तार होते हैं तो आगे उनका। ठीक है जी, ठीक है दिवाकर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शंकर आनंद भी लगातार हमारे साथ ईडी ऑफिस के बाहर दिल्ली से मौजूद है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले तस्वीरें जो बापू वाटिका रांची से लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी जरा दर्शकों को हम दिखा देते हैं। और इसमें अगर कुछ गौर करने की बात है तो वो हेमंत सोरेन की बॉडी लैंग्वेज है, उनका पोस्चर है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से खबर सामने आ रही है कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार है, उनके राजनीतिक भविष्य में, खासतौर पर सरकार वो चला रहे, उस पर यहाँ पर संकट हो सकता है।